हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज हम कुछ इस टाइप की प्रपोज डे फोटो एडिटिंग करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद प्लस वाले आइकन पे एक क्लिक करेंगे, उसके बाद बैकग्राउंड को चूज कर लेंगे। इस बैकग्राउंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद टूल्स वाले आइकन पे एक क्लिक करेंगे, चले जाएंगे एडजस्ट में। एडजस्ट में आने के बाद इसके सैचुरेशन को हल्का सा बढ़ा लेते हैं, उसके बाद इसकी क्लैरिटी को भी हल्का सा बढ़ा लेते हैं, हाईलाइट को कम कर लेते हैं, शैडो को भी कम कर लेते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा लेते हैं। उसके बाद इधर से कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद ऐड फोटो लाइकन पे एक क्लिक करके हम अपने मॉडल को कर लेते हैं चूज। ऐड करने के बाद कटआउट लाइकन पे एक क्लिक करेंगे, उसके बाद इसका कर लेते हैं कटआउट। इधर से कर लेते हैं इसको डन, उसके बाद इसको कर लेते हैं सेट। सेट करने के बाद इरेजर लाइकन पे एक क्लिक करके इसके हार्डनेस को कर लेते हैं कम, कैपेसिटी को भी कर लेते हैं कम, उसके बाद साइज को बढ़ा के इसको कर लेते हैं इरेज। इधर कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद इसको कर लेते हैं सेट, उसके बाद इसकी कैपेसिटी को हल्का सा लो कर लेते हैं। कैपेसिटी को लो करने के बाद इधर से कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद ऐड फोटो लाइकन पे क्लिक करके हम अपने अगले वाले मॉडल को कर लेते हैं चूज। ऐड करने के बाद कटआउट लाइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इसका भी कर लेते हैं कटआउट। इधर कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद नीचे से कर लेते हैं सेट, उसके बाद शैडो आइकन पे क्लिक करके इसका बना लेते हैं शैडो, इसके पोजीशन कर लेते हैं सेट। उसके बाद इधर से कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद टूल्स आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे एडजस्ट में। एडजस्ट में आने के बाद इसके ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ा लेते हैं, उसके बाद इरेजर आइकन पे क्लिक करके इसको कर लेते हैं इन्वर्ट। इन्वर्ट करने के बाद फेस पे इसको कर लेते हैं रिस्टोर। सो गाइस, क्या आप देख सकते हैं हमारा फोटो रिस्टोर के लिए रेडी हो चुका है। उसके बाद सिंपली हम इधर से कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद ब्यूटी वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक कर देंगे स्किन टोन पे। स्किन टोन पे क्लिक करने के बाद इसके अमाउंट कर लेते हैं फुल, उसके बाद इरेजर आइकन पे क्लिक करके इसको कर लेते हैं इरेज। इधर से कर लेते हैं इसको डन। सो गाइस, क्या आप देख सकते हैं हमारा फोटो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। उसके बाद ऐड फोटो आइकन पे क्लिक करके हम अपने अगले वाले पीएनजी को चूज कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसको कर लेते हैं हाथ पे एकदम सेट परफेक्ट। उसके बाद इरेजर आइकन पे क्लिक करके इसके आर्नोस कर लेते हैं फुल, साइज को थोड़ा सा कम करके इसको कर लेते हैं इरेज। इधर कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद ऐड फोटो आइकन पे क्लिक करके हम अपने अगले वाले पीएनजी को चूज कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसका बनाते हैं डुप्लीकेट, उसके बाद इस साइड इसको कर लेते हैं सेट, इसको भी कर लेते हैं रोटेट, उसके बाद इसको भी कर लेते हैं सेट। सेट करने के बाद इरेजर आइकन पे क्लिक करके इसको कर लेते हैं इरेज, इसके हार्डनेस को कम कर लेते हैं, कैपेसिटी को भी साइज को थोड़ा सा कम करके इसको कर लेते हैं इरेज। इधर कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद इस वाले को भी कर लेते हैं इरेज। इधर कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद इसकी कैपेसिटी को हल्का सा लो कर लेते हैं, उसके बाद इस वाले की भी कैपेसिटी लो कर लेते हैं। इधर कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद टूल्स आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे एडजस्ट में। एडजस्ट में आने के बाद इसके सैचुरेशन को हल्का सा बढ़ा लेते हैं, हाईलाइट को कम कर लेते हैं, शैडो को भी कम कर लेते हैं, उसके बाद टेम्परेचर को बढ़ा लेते हैं। उसके बाद इरेजर आइकन पे क्लिक करके इसको कर लेते हैं इरेज। इधर कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद टेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इधर लिख देंगे प्रपोज डे। इधर कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद आपको जैसा फॉन्ट अच्छा लगे आप वैसा कर सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। उसके बाद नीचे से कर लेते हैं सेट। उसके बाद इधर से कर लेते हैं इसको डन।
सो गाइस आप देख सकते हैं हमारा फोटो बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाजू में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके बाद इसको कर लेंगे सेव।